भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने जा रही है। अभी लोगों को मुंबई से अहमदाबाद पहुंचने में ट्रेन से करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से लोग महज 2 घंटे में ये यात्रा पूरी कर सकेंगे। क्या आपको पता है कि भारत की बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? भारत में बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? भारत की बुलेट ट्रेन विदेशों में चलने वाली बुलेट ट्रेन से कितनी अलग होगी? साथ ही क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली ट्रेन कब चली थी और वक्त के साथ उसने कितने बदलाव देखे? जानवरों की मदद से कोच खींचने से शुरू हुई इस यात्रा बुलेट ट्रेन तक कैसे पहुंची, आइए जानते हैं। आज के इतिहास और विकास के एपिसोड में हम आपको बताएंगे भारत की पहली ट्रेन से बुलेट ट्रेन तक की यात्रा के बारे में, साथ ही बताएंगे पहले कैसे चलती थी ट्रेन, और ये भी बताएंगे कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलने जा रही है। देश में सबसे पहले ट्रेन चलाने का प्रस्ताव 1832 में पास हुआ था। इसके बाद 1837 में औद्योगिक उपयोग के लिए पहली बार ट्रेन चलाई गई, जो तत्कालीन मद्रास में रेड हिल्स से चिंतादिपेट तक का रास्ता तय करती थी और ग्रेनाइट स्टोन होती थी। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, से ठाणे के बीच चली थी। उस वक्त ट्रेन भाप के इंजन से चलती थी। इसके बाद 1855 में फेरी क्वीन भाप इंजन शुरू किया गया। आगे बढ़ने से पहले उन ट्रेनों की बात करते हैं जो जानवरों की मदद से चलाई गईं। दरअसल 1863 में बड़ौदा के महाराज के लिए बैल से खींचने वाला सैलून बनाया गया। वहीं 9 मई 1874 को हावड़ा में घोड़े से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की गई। भाप के बाद डीजल और बिजली से दौड़ने वाली ट्रेनों का दौर आया। डीजल से चलने वाली ट्रेनों को लाने का मकसद स्टीम इंजन ट्रेन से उपजी खामियों को दूर करना था। वहीं बिजली से चलने वाली ट्रेनों के आने के बाद स्पीड में भी काफी इजाफा देखा गया। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत 1969 में हुई। इनकी औसत स्पीड 140 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है। पहली शताब्दी ट्रेन जुलाई 1988 में पटरी पर दौड़ी। शताब्दी एक्सप्रेस देश की दूसरी सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड 155 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत 2016 में हुई। ये भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है, जिसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच चलती है। भारत में फिलहाल ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो हाई स्पीड की कैटेगरी में आती हो। हाई स्पीड ट्रेन की औसतन स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होनी चाहिए। यही वजह है कि विदेशों में भले ही बुलेट ट्रेन 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हो, लेकिन भारत में शुरुआती स्पीड 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखी जाएगी। देश में बुलेट ट्रेन लाने पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसके तहत अहमदाबाद मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल नेटवर्क की आधारशिला रखी जा चुकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही इस तरह की दूसरी रोचक जानकारियों के लिए हमें फॉलो करते रहें।